पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के सेशन में हम आपको करवाने जा रहे हैं पेपर फोर। अच्छा, तो पेपर फोर में दो चीज़ें हैं, एक तो शैक्षिक मूल्यांकन वाले बच्चे हैं और एक योगा शिक्षा वाले बच्चे हैं। तो देखिए, जिन लोगों का CSDMU BEd फोर्थ सेमेस्टर या अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और आपका योगा एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, फिजिकल और योगा एजुकेशन, तो आपके लिए ये क्लास कारगर साबित होगी। और अगर आपका भी ऑप्शनल है तो आप भी इसको आराम से कम्प्लीटली तरीके से पढ़िएगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको बताऊंगी कि ये PDF आपको कैसे मिलेगी, है ना। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा। उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो PG Point Official के नाम से आप उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की तो आप हमें वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही हम आपको चीज़ें वहाँ पर देखते हैं और वो व्यक्तिगत रिप्लाई आपको मैं करती हूँ अगर आपको किसी क्षेत्र में समस्या है तो। ठीक, तो एक बार क्या करिएगा, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा बिना बातचीत के, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये सेशन हम कंप्लीट कर रहे होंगे, इसके अंतर्गत आपके 10 chapters होंगे, एक एक करके सभी के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। देखिए, इसमें कोई बहुत से क्वेश्चंस नहीं है भाई। एक चैप्टर में अगर 20 क्वेश्चन भी हम मान के चले, 10 चैप्टर में 200 क्वेश्चन है, लेकिन अगर इनके अलावा आपको 800 से भी ज़्यादा MCQs अगर पढ़ने हैं तो उसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, PG Point App इंस्टॉल करिए। वहाँ पर आपको स्वास्थ्य शिक्षा के MCQs और नोट्स दोनों ही कुछ मिल जाएगा ये नोट्स के सेक्शन में। अगर अभी तक आपने नहीं लिया और पढ़ा है तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो एक तरीके का ये मान के चलिए ट्रेलर है, ठीक है। ये 200 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ले लो, है ना, बहुत कम है ये। और वो जो क्वेश्चन है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। फिलहाल आइए ये भी समझते हैं कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कम है संख्या में, बस आप ये समझिए। क्वेश्चन नंबर वन, आपका चैप्टर नंबर वन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षा क्या है, आपकी सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है, राजनीति का विषय है, सैन्य शिक्षा की प्रक्रिया है, या फिर विशिष्ट जनों के लिए अभ्यासात्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा से होता है, क्या होता है शारीरिक शिक्षा से, मानसिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, या फिर सर्वांगीण विकास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर्वांगीण विकास, क्योंकि सर्वांगीण के अंतर्गत ही आपका मानसिक, ज्ञानात्मक और संवेग, ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिए जब भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए, है ना। शारीरिक शिक्षा से विकसित होती है द्वेष भावना, हीन भावना, लगाव की भावना, या फिर राष्ट्र की भावना। क्वेश्चन नंबर थ्री, तो राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है। शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे है, तत्काल कक्षा की समस्याओं से, सहसंबंध अध्ययन से, प्रायोगिक अध्ययन से, या फिर वर्णनात्मक अध्ययन से। तो शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध तत्काल कक्षा की समस्याओं से है। वेरी गुड, जो बच्चे ऑप्शन ए कह रहे हैं। एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि इसमें क्या हो, तुलनीयता हो, निरंतरता हो, समानता हो, संगति हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि इसमें क्या हो, संगति हो। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम क्या है, शिक्षक, छात्र, विज्ञापन, या फिर इंट्राम्यूरल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंट्राम्यूरल। किसने कहा कि मनोरंजन गतियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है, जोसेफ ली ने, रमनी ने, जॉन डीवी ने, या फिर जॉन ली ने। क्वेश्चन नंबर सेवन, तो ये बात कही थी कि मनोरंजन मनोरंजन गतियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है, ये बात किसने कही थी, रमनी ने कही थी। किसने कही थी, रमनी ने कही थी। एक पेशी की कार्यात्मक क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तंत्रिका उत्तेजना पर, परिधि पर, फाइबर की गुणवत्ता पर, या फिर टोन्स पर। तो एक पेशी की कार्यात्मक क्षमता निर्भर करती है फाइबर की गुणवत्ता पर। मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, पैसा, कलक, साहित्य, या फिर संस्कृति। तो संस्कृति है। खेल उपकरण के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका, मूल्य, स्रोत, उपयोगिता, या गुणवत्ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता। हाइपोथैलेमस, या हाइपोथैलेमस क्या होती है, किसके नियंत्रण से संबंधित, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है आपकी, है ना, ये मोटर क्रियाएं, सोच, ग्रंथि, या फिर भावनाओं से संबंधित। किससे संबंधित है, तो ये ग्रंथि है, एक प्रकार की हाइपोथैलेमस क्या है, ग्लैंड होती है। जैसे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, लीवर भी एक प्रकार की ग्रंथि है, वैसे हाइपोथैलेमस भी क्या है, आपकी ग्रंथियां हैं। व्यायाम के दौरान औसत आदमी की हृदय
मिनट की मात्रा 4 से बढ़कर कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है भाई? तो 15 लीटर हो जाती है। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में की वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। जो भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में वृद्धि होती है उसको मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है आपका? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंडा। जो बच्चे जाते होंगे जिम वगैरह उन्हें बहुत अच्छे से बता होगा। तो अगर सबसे उत्तम स्रोत पूछा है, सबसे समृद्ध स्रोत पूछा गया है, तो आप सोयाबीन लगाएंगे, जिसे आप चंक्स भी कहते हैं ना। ये आपका सबसे अल्टीमेट सोर्स है किसका भैया? तो प्रोटीन का। आजकल एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक अनिवार्य रूप से एक प्रशिक्षक, एक ड्रिल मास्टर, एक आंदोलन शिक्षक या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो ये मनाया जाता है कब बताइए? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 21 जून को। योग सूत्र किसके द्वारा संकलित किया गया? स्वरात्मा, चरक, वेदव्यास या फिर पतंजलि? योग सूत्र तो पतंजलि के द्वारा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संतुलित आहार में शामिल है, संतुलित आहार में क्या शामिल है आपका? क्वेश्चन नंबर 19। तो विटामिन को छोड़कर सभी आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके संतुलित आहार में शामिल होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये गलत कराते हैं जब सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में यही लगा करके चले आते हैं, है ना। जबकि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विटामिन को छोड़कर जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सभी संतुलित आहार में शामिल होते हैं। योग शब्द किससे लिया गया है? संस्कृत, पाली, ग्रीक या फिर हिंदी? तो योग शब्द आपका संस्कृत से लिया गया है। शारीरिक गतिविधि मूल रूप से क्या है आपकी? तो ये है आपकी जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नीड। ठीक, तो यहाँ से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, देखिए जो जैसे आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो हमने इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं आपको योगा के। तो वो नोट्स में हमने क्या किया हुआ है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक मिनट के लिए हम आपको शो कर देंगे पीडीएफ अभी थोड़ी सी देर में। चैप्टर नंबर जो 2 है वो पुरुषों की सांस्कृतिक विरासत के रूप में शारीरिक गतिविधियों एवं खेल से संबंधित है आपका। इस चैप्टर को भी शुरू करेंगे और इसके अंतर्गत भी मुश्किल से 19 से 20 क्वेश्चन ही होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक युग में डैश शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा। किस शिक्षा को? तो आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ समय पहले शिक्षा का लक्ष्य केवल किस चीज का विकास करना था? तो केवल मानसिक विकास करना था। अब क्या है? तो अब भाई सीधी सी बात है कि सर्वांगीण है ना। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में किसकी समानता है? भेदों की, लक्ष्यों की, उदाहरणों की या प्रक्रियाओं की? तो लक्ष्यों की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा किसमें क्षमताएं विकसित करती हैं? तो शिक्षा और शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों में क्षमताएं विकसित करती हैं। शारीरिक शिक्षा किसके निर्माण में सहायक होती है? तो आपकी शारीरिक शिक्षा चाहे चरित्र हो, कार्यकुशलता, व्यवसाय, इन सभी में ये क्या करती है? सहायक होती है। प्रयोगात्मक अनुभव आधारित है किस पर? तो प्रयोगात्मक अनुभव आपके निर्धारित हैं शारीरिक शिक्षा पर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि किसके अनुसार हम शिक्षा को टुकड़ों में खंडित नहीं कर सकते हैं और ना ही इस बात की आशा कर सकते हैं कि प्रत्येक खंड के अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे? क्वेश्चन नंबर 7, तो नैस के अनुसार ये बात कही गई। किस शब्द डैश वह शब्द है जिससे आनंद लाने वाली क्रिया होती है? भ्रमण, संगीत, कला या फिर विज्ञान? क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कला। कला वह शब्द है जिससे आनंद लाने वाली क्रिया होती है। कला के क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं अगर पूछा जाएगा? तो कला के क्षेत्र में आपकी चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य, ये सभी क्रियाएँ आती हैं। किसके द्वारा ही आनंद को ज्ञान मिलता है? क्वेश्चन नंबर 10, तो भाव के द्वारा ही आनंद को ज्ञान मिलता है। व्यक्ति किससे प्रभावित होने के बाद कल्पना करने लगता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो व्यक्ति
ज्ञान और भाव इन दोनों से प्रभावित होने के बाद में कल्पना करने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्यक्ति किसके माध्यम से बिना परीक्षण तथा प्रयोग किए ही चिंतन तथा मनन कर लेता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्ति कला के माध्यम से बिना परीक्षण तथा प्रयोग किए ही चिंतन और मनन करने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति की आराधना के विकास के लिए कौन सहायक होते हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति की आराधना के विकास के लिए कला सहायक होती है। किसके द्वारा एकता का विकास आसानी से किया जा सकता है? तो भैया कला के द्वारा एकता का विकास आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक मानव को डैश में निपुणता प्राप्त करनी आवश्यक है। किसमें? तो प्रत्येक मानव को व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करनी आवश्यक है। विशिष्ट ज्ञान को ही कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान को ही क्या कहते हैं, तो विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा और शक्ति का किससे प्रगाढ़ संबंध रहता है? क्वेश्चन नंबर 17, तो ऊर्जा और शक्ति का उम्र और पेशीय संस्थान दोनों से ही प्रगाढ़ संबंध रहता है। यदि 25 वर्ष की आयु के समय उचित प्रशिक्षण दिए जाएं तो शरीर में किसकी वृद्धि होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट है, किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में अनुभव किया है? क्वेश्चन नंबर 19, तो प्राचीन जो ग्रीस है, इस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में अनुभव किया है। खेल प्रशिक्षण को हमेशा किस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है? तो फिटनेस पर। ठीक है, यहाँ से आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। चलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3, स्वास्थ्य अवधारणा महत्व आयाम और निर्धारक इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए क्या कह रहा है, कि शरीर केवल रोग और दुर्बलता से मुक्त ना हो बल्कि वही शरीर स्वस्थ होगा जिसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो, साथ ही सामाजिक रूप से वह कुशल व्यक्ति हो। स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई है, कि शरीर केवल रोग और दुर्बलता से मुक्त ना हो बल्कि वही शरीर स्वस्थ होगा जिसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो, साथ ही सामाजिक रूप से वह एक कुशल व्यक्ति भी हो, है ना। निम्न में से कौन सा उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण है? तो गहरी नींद आना एवं भूख ठीक लगना, सभी संवेगों पर व्यक्ति का नियंत्रण होना, ये नहीं कि गुस्सा है तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, उठा पटक मचा दे रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा भावावेश में आकर कर रोए रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुख है तो बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी चीज़ों पे, अपनी भावनाओं पे, अपने संवेगों पर व्यक्ति को नियंत्रण आना चाहिए। शरीर की त्वचा, बालों और आँखों का चमकदार होना, तो ये उत्तम स्वास्थ्य के लक्षण क्या है, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा को निम्न किन भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा और स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा दोनों में। स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय और दूसरे स्थानों से प्राप्त किए जाने वाले उन सब अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय और मानव जाति के स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, दृष्टिकोणों और ज्ञान को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की यह परिभाषा किसकी है? तो स्वास्थ्य शिक्षा की यह परिभाषा आपकी वुड तथा ब्राडनेल की है। किसकी है? वुड तथा ब्राडनेल की है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इनमें से किन सिद्धांतों का समावेश आवश्यक है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य की नियमित जांच, शारीरिक व्यायाम या ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। निम्न में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य हैं? तो बुरी आदतों से बचाव, सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण, ये सभी। स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए जितने भी डेज हैं, ये इंटरनेशनल योगा डे, हेल्थ से संबंधित जो भी है तो वो आप अपने स्मरण में रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए स्वास्थ्य परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। निम्न में से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो भैया पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, विश्राम और निद्रा, व्यक्ति का रहन सहन, व्यायाम, ये सभी क्या करती है आपकी हेल्थ को इफेक्ट डालती है हेल्थ में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विद्यालय में छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किस उपाय को अपनाना चाहिए?
किस उपाय को अपनाना चाहिए भैया? तो विद्यालय में शुद्ध वायु, प्रकाश की व्यवस्था हो, छात्रों का स्वास्थ्य निरीक्षण हो, विद्यालय की उत्तम सारणी एवं फर्नीचर, तो ये सभी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन मानव जीवन की अमूल्य निधि है? क्वेश्चन नंबर 11। तो अच्छा स्वास्थ्य जो है वो मानव जीवन की अमूल्य निधि है। इनमें से कौन सी आदत स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदत है? तो नियमित समय पर उठना और सोना भैया, नियमित रूप से संपूर्ण शरीर की सफाई करना, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वास्थ्य परीक्षण, ये सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वास्थ्य व मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने पर्यावरण में अच्छी तरह ढलकर उत्तम कार्य कर सकता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है वोल्टमर एवं एस्लिंगर के द्वारा। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान छात्रों को किस प्रकार से कराया जा सकता है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान आपको समाज सेवा कार्यक्रमों के द्वारा, स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकों के द्वारा, दूरदर्शन और आकाशवाणी, इन सभी के द्वारा कराया जा सकता है। शरीर को मात्र रोगों से बचाकर रखना अथवा आशक्त ना होना कि स्वास्थ्य, ये आशक्त ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। जबकि स्वास्थ्य से अभिप्राय क्या है? संपूर्ण भौतिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था में स्वस्थ रहने से है। और ये परिभाषा आपकी किसने दी है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। ठीक है, तो यहाँ से 15 क्वेश्चन आप अपने चैप्टर 3 के भी कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर 4 जो है वो आपका रिलेटेड है शारीरिक, जो आपके और मतलब मस्कुलर सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड है। शरीर के तंत्र और व्यायाम के प्रभाव से संबंधित है। आइए करेंगे इसके भी क्वेश्चन। भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से आरंभ होता है? तो भैया मुख से ही होता है, कोई स्टमक नहीं, पेट नहीं लगा करके आएगा, आमाशय नहीं लगा करके आएगा। क्यों मैं मुख से कैसे होता है? हमने कहा जैसे मान लीजिए आप खाली रोटी के टुकड़े को बहुत देर तक चबाइए तो आपको कैसा महसूस होगा? हल्का सा मीठा महसूस होगा। कैसे मीठा महसूस होगा पता है? आपकी जो सलाइवा है, जो लार है, उसमें एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, और वो जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वही क्या करता है? डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से ही, आपके मुख गुहा से ही शुरू कर देता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आमाशय में पाया जाने वाला इनमें से कौन सा एंजाइम है? तो इनमें से आमाशय में जो पाया जाता है वो पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? आमाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जो आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं, स्टमक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनको एक्सेलरेट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो वो करता है आपका गैस्ट्रिन हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सा अंग पाचन तंत्र का अंग नहीं है? आहार नल, अग्नाशय, फेफड़ा या छोटी आंत? क्वेश्चन नंबर 4। सीधी सी बात है, फेफड़ा, ये तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी से संबंधित है, तो उसका पाचन तंत्र में कोई काम ही नहीं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल का भाग नहीं है? फूड पाइप जो होता है ना आपका, उसका भाग क्या नहीं है पूछा गया? तो सीधी सी बात है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लीवर हो जाएगा। लीवर का कोई रिलेशन नहीं है आपके आहार नाल से, यकृत का कोई संबंध नहीं है आपके आहार नाल से, फिर मुख, ग्रसनी और आमाशय का है। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मुख गुहा से ही होता है। आमाशय का आकार कैसा होता है? थैले या मस्क जैसा, खोखला, गोल या लंबा? आमाशय का आकार पूछा गया है, तो भैया थैले या मस्क जैसा होता है। यकृत का मेन काम क्या होता है? लीवर का। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर? तो जो पित्त रस बनाना है ना, बाइल जूस बनाना है, बाइल जूस क्रिएट करना, यही आपका काम होता है। ठीक है, संग्रह करना नहीं होता है काम, काम होता है पित्त रस को बनाना। किसका? लीवर। लीवर का काम क्या होता है? पित्त रस को बनाना। कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऑप्शन में दे दिया पित्त संग्रह करना, जबकि ये सही नहीं होगा। रुधिर 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन का वहन करता है? यानी कि ब्लड 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन का वहन करता है आपका? तो ब्लड आपका 1 मिनट में 250 मिली ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये आपका पहुंचता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है, जैसे आपने रात में मान लीजिए अंगीठी जला लिया, ठीक है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, आप श्वास के थ्रू लेते हो, तो वो आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, तभी इंसान की मौत हो जाती है। तो भैया हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में पहुंचाता है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है भैया। ठीक, लंग्स।
संपूरक वायु की मात्रा कितने घन सेंटीमीटर होती है? तो ये होती है आपकी 1500 घन सेंटीमीटर। हमारे शरीर में शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का निष्कासन किसके द्वारा होता है? तो नाक के द्वारा। शरीर में श्वसन की सभी क्रियाओं को करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है आपकी? तो कौन सी गैस आवश्यक है आपकी भाई? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15, सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी? तो ये कहलाती है प्रश्वसन, इनहेल इसको आप कहते हैं इंग्लिश में। निश्वसन में अशुद्ध वायु का संगठन क्या होता है? निश्वसन का मतलब होता है एक्सहेल। जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं तो उसमें वायु का संगठन कैसा होता है? तो उसमें भैया 16% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट, एक बच्चा एक मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? बच्चे की बात की गई है भाई, समझिएगा बात को। तो एक बच्चा एक मिनट में 30 बार सांस ले लेता है। परिसंचरण तंत्र का मुख्यतम अंग कौन सा है? यदि परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर आप टिक करके आएंगे हृदय, यानी कि हार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? शरीर के उस तंत्र को क्या कहते हैं जो शरीर के सभी भागों में पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है? तो ये इसे क्या कहते हैं आप? इसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट, लाल रुधिर अणुओं को अशुद्ध जल या निम्न विलीय घोल में रखेंगे तो ये क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 20, तो ये क्या होंगे? ये अप्रभावित रहेंगे। सीधी सी बात है, जो आपके RBCs होते हैं इनको, इनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इनको अगर आप अशुद्ध जल या निम्न विलीय घोल में रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रुधिर की शुद्धि होती है, कहाँ होती है? जो आपका ब्लड होता है वो कहाँ शुद्ध होता है? प्रश्न संख्या 21, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, हृदय में। उसके बाद में क्या कह रहा है कि रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक होता है? तो डेट इज प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स में भी आपका क्या होता है? प्लेटलेट्स में भी आपका प्रोथ्रोम्बिन नामक एक प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से जैसे आपको चोट लग गई तो थक्का जमता है। आप देखते हैं बहुत लोगों को इतनी जल्दी थक्का नहीं जमता है, खून का मतलब ऐसे पपड़ी सी नहीं पड़ती है तो बहते ही चला जाता है। तो उनमें क्या होता है, शुगर का एक पेशेंट होते हैं जो है ना ऐसे करके, या जिनमें प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन्स की कमी होती है उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। यूनिट 5 यहाँ से शुरू होता है आपका योगा वाला सेक्शन, योग अर्थ एवं दीक्षा से संबंधित जो आपका चैप्टर है, ठीक है? तो इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, जितना है मैं आपको इजी नोट्स का पूरा कवरअप करा देती हूँ। और देखिए, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है, या युज धातु से हुई है। योग शब्द का अर्थ क्या होता है आपका? तो योग शब्द का अर्थ होता है क्या करना? एक करना। योग में किसका अभ्यास सम्मिलित होता है? तो योग में आपके प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम आसन धारण ध्यान समाधि, ये सभी क्या होते हैं? अभ्यास सम्मिलित होते हैं। योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा वेद व्यास जी ने दी थी। क्या कहा था? कि मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण करना। कैसे याद रखेंगे? हमने कहा कि जब आप ज़्यादा उतार चढ़ाव करते हैं तो आपको क्या लगती है? प्यास लगती है, तो प्यास से व्यास याद रखिएगा, ठीक? या ऐसे भी याद कर सकते हो कि उतरते और चढ़ते हुए हम वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं। जब मानसिक रूप से हम एक नियंत्रण हो पाएंगे हमारे दिमाग को, तभी हम वेद पढ़ पाएंगे। ऐसे भी याद कर सकते हो। किसके अनुसार योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है? किसके अनुसार योग जो है वो पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है? किसने कही थी ये बात? तो ये बात कही थी आपके भगवद गीता में, कही गई है। भगवद गीता में कहा गया है कि योग जो है ध्यान जो है, इसी से आप पीड़ा और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। पीड़ा और दुख मुक्ति का मार्ग आपका क्या है? भगवद गीता में बताया गया है कि ये योग है। योग ही वह साधन है जिससे आप क्या कर सकते हैं? दुख और पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। किसमें कही गई थी ये बात? भगवद गीता में कही गई। कैसे याद रखोगे? कि जो आदमी भगवद गीता पढ़ता है उसे मुक्ति मिलती है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। काफ़ी हद तक योग के
लाभों को समझ चुका है। कौन कौन समझ चुका है भाई? तो विश्व काफ़ी हद तक योग के लाभों को समझ चुका है। कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है इंद्रियां, मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही योग है। ये भाषा किसके, ये परिभाषा योग की किसके अनुसार कही गई है? तो कंठोपनिषद में योग के लिए लिखा गया है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही क्या है? योग है। आदि शब्द से तात्पर्य क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8, आदि शब्द से तात्पर्य क्या है? तो आदि शब्द से तात्पर्य है मनोमय कोश में उत्पन्न मानसिक भावनात्मक विकार। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 9, तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इसीलिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 17 जून 2015 को जारी इस पुस्तक का नाम क्या है जिसका अनुपालन डॉक्टर इमरान चौधरी और अभिजीत सिंह ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रकाशित किया? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा योग और इस्लाम। भोजन करने के कितने समय बाद तक योगाभ्यास नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 90 मिनट तक आप भोजन करने के बाद में कोई भी योगाभ्यास नहीं करें। फिर है योग का उद्देश्य क्या है? तो योग का उद्देश्य क्या है आपका? आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार। बौद्ध ध्यान तकनीकें के अनुसार दिमागीपन के आधार हैं आपके कौन से हैं? तो सुनना, देखना, सांस लेना, आंखें बंद कर लेना, ध्यान करना, ये सभी जो है बौद्ध ध्यान तकनीकी के अनुसार दिमागीपन के आधार हैं। देखिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके जो फिजिकल ये स्वास्थ्य और योगा शिक्षा वाला है इसके अंतर्गत 4 यूनिट थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यूनिट 1 है ना, इसमें सब कुछ आपको क्लियरली एकदम अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा समझाया गया है। फिर देखिए यह है आपकी यूनिट 2। अब यूनिट 2 जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है ना, अब कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने रेड से मार्क किया हुआ है एकदम अच्छी हैंडराइटिंग के साथ में। क्लियर पीडीएफ एकदम आपको अवेलेबल है, ठीक है? जैसे कि आपसे जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं ना, किन शब्दों से मिल करके बना हुआ है या कुछ भी, तो उसको रेड से हाईलाइट किया गया है। ये आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल नोट्स। जिन्होंने थ्योरी बुक से नहीं पढ़ी है वो थ्योरी इस नोट्स से पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको कैसे अवेलेबल होगी तो मैं आपको बता दूं, पीजी पॉइंट ऐप आप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब जैसे कुछ चीज़ें थी जिनमें फिगर थे, जैसे कंकाल तंत्र का फिगर हो गया है ना, जैसे आपका अक्षीय कंकाल का फिगर हो गया, अचल संधि क्या होती है, तो जो फिगर वाली चीज़ें थी वो हमने ऐड कर दी हैं इसमें ताकि उसमें भी आपको कोई प्रकार की समस्या ना हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस थी उसको हमने ऐसे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है? तो अब पढ़ने में भी आपको समस्या नहीं होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं जितना भी आपका पूरा नोट्स है वो तो है ही है, साथ में श्वसन तंत्र से लेकर के जितने भी फिगर हैं वो सब कुछ दे दिए ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक? इसके अलावा जो आपकी यूनिट 4 है, यूनिट 3 है, उसमें भी हमने आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। जिनमें फिगर थे सिर्फ वो चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं पिक्चर के साथ में आपको। अब जैसे यूनिट 3 है आपकी, तो ये योगा से संबंधित है और बहुत, देखिए एक तो पहली बात तो यूनिट 3 और यूनिट 4 ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यूनिट 1 और 2 तो ईजी लगेगी लेकिन यूनिट 3 और 4 में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आनी चाहिए, क्योंकि अगर योग से संबंधित, ध्यान से संबंधित, आसन से संबंधित, डेफिनेशन से संबंधित कोई बात पूछ दी गई तो आपके पास आंसर होना चाहिए लिखने के लिए, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली पीडीएफ अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप ये वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको ई नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगी, ठीक? मैम क्या इसके एमसीक्यूज? हमने कहा एमसीक्यूज भी हमने अलग से प्रोवाइड कर रखे हैं। अब ये सब यम से संबंधित क्वेश्चन है ना, ये सब पूछे जाते हैं आपसे, नियम से संबंधित प्रश्न हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है आपसे, है ना? फिर देखिए इसका चैप्टर 2 जो था वो है यहाँ पर, तो यानी कि दिया सब कुछ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो इनको ज़रूर पढ़िएगा, है ना?
फिर आपका क्वेश्चन होगा कि मैम 800 से ज़्यादा MCQs वाली PDF, हमने कहा ये रही 800 से ज़्यादा है MCQs वाली PDF हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन की, जो जहाँ आपको इजी नोट्स में केवल 100 से 200 से क्वेश्चंस तक मिलेंगे, वहीं आपको हमारी इस PDF में हर एक यूनिट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। देखिए अभी तक यूनिट 1 ही चल रही है और आप क्वेश्चन नंबर 147 पे पहुंच चुके हैं, 150 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं। इस तरीके से एक एक यूनिट में कम से कम 200 क्वेश्चंस तक हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, तभी ये 800 से ऊपर हैं, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 200 से ऊपर क्वेश्चंस केवल यूनिट 1 में दी हुई है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इन PDFs में मिल जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए 250 क्वेश्चंस हैं पूरे आपके यूनिट 1 में, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके हैंड रिटन फॉर्मेट में 800 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो अभी करना है अगर आपको, तो उसके लिए PG Point ऐप इंस्टॉल करिए। PG Point ऐप में स्क्रॉल करेंगे आपको ई नोट्स का सेक्शन मिलेगा, ई नोट्स के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, पेड ई नोट्स ये दिख रहा है, इसके जस्ट साइड में आपको सी ऑल दिखेगा, सी ऑल पे क्लिक करिएगा। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सब आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, पेपर 1 पेपर 3 की चीज़ें हैं, है ना, पेपर 1 की चीज़ें हैं नोट्स में, फॉर्मेट में सारा कुछ गिवन है। तो पेपर 4 की जो आपने थ्योरी देखी है, अगर आपको वो सिर्फ चाहिए तो वो भी आपको अलग से मिल जाएगी, और पेपर 4 के अगर आपको MCQs चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये है आपके MCQs 800 से ज़्यादा, इसके जस्ट नीचे आपको थ्योरी भी मिल जानी है, ठीक। तो अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे ये चाहते हैं सारे क्वेश्चन ही फंसें, तो उसके लिए इनका रिवीजन जिन बच्चों ने ले लिया है उनको ले करके रखना नहीं है, सिर्फ मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। जैसे सुबह उठे, सुबह 100 क्वेश्चन पढ़ लो, खाना खा के लेटो 100 क्वेश्चन पढ़ लो, शाम को चाय पियो 100 क्वेश्चन पढ़ लो, रात में सोने चलो 200 क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसे करके पूरे दिन में एक एक घंटे, मतलब आप, हमें तो ऐसा लगता है जब 20 मिनट में हम आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पर करवा सकते हैं, तो आप घड़ी में देख करके अगर ठीक से भी पढ़ोगे तब भी 15 मिनट में आप 100 क्वेश्चंस पढ़ ले जाओगे। तो अगर कोई बच्चा लगातार एक घंटे भी पढ़ेगा तो पूरी PDF पढ़ लेगा, है ना। तो अगर आपको करना है तो 15-15 मिनट में 100-100 क्वेश्चंस पढ़ डालिए, आराम से आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। बस आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। PDF अगर आपने नहीं लिए तो ले लीजिएगा, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, इंस्टॉल करिएगा, रेफरल कोड में PG Point डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग हैं। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी 8 कितने हैं, तो 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि किसके अनुसार समादोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया स्वास्थ्य की विशेषता है, ये बात किसने कही है। तो ये कही है आपके सुश्रुत ने कहा है, ठीक। योग कक्षा सामान्यता किससे शुरू होती है, जो आपकी योग कक्षा होती है वो सामान्यता प्रार्थना से शुरू होती है, ठीक है। योग का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार तथा क्या है, तो योग का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार तथा अंतिम मुक्ति है। आसन के अभ्यास का लक्ष्य द्वेष को दूर करना है। किसको दूर करना है भाई, तो संघर्षों को दूर करना है, ए सही हो जाएगा आपका। शरीर में आराम और पाचन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार तंत्रिका हिस्सा है, क्या है, तो पैरा सिंपैथेटिक तंत्रिका। तो चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1, योग का मूल हजारों वर्ष पहले से डैश में ही माना गया है, कहाँ माना गया है, तो भारत में ही माना गया है। भगवद गीता के व्याख्याकारों ने कितने प्रकार के योग पर बल दिया है, भगवद गीता की बात की गई है, तो भगवद गीता में 3 प्रकार के योग पर बल दिया गया है। किस योग में, कार्य बिना परिणामों की इच्छा के किए जाते हैं, किस योग में कार्य बिना परिणामों की इच्छा के किए जाते हैं बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्म योग में,
बिना परिणाम की इच्छा किए जो योग होता है वो आपका कौन सा होता है, कर्म योग। स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग आपका कौन सा है, तो वो है आपका ज्ञान योग। पतंजलि अष्टांग योग में सातवां अवयव कौन सा है? अब ये सातवां अवयव आपको तभी पता होगा जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान। पतंजलि अष्टांग योग में सातवां अवयव आपका कौन सा है, तो ध्यान है। इसीलिए कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल PDF अगर नहीं आपके पास है, या आपने थ्योरेटिकल आपके पास घर पे कोई बुक नहीं है, तो आप ये पढ़िए जो हमने थ्योरेटिकल नोट्स में प्रोवाइड किया है, उसमें ये सब गिवन है, अगर आप बस पढ़ पाओ अच्छे से। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ईश्वाश्योपनिषद के अनुसार कौन सी प्रथा अमरता प्रदान करती है, प्रश्न संख्या 6। तो विद्या जो है वो अमरता प्रदान करती है। नेक्स्ट है स्वामी, देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, दिस प्लेज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, कब कौन सा क्वेश्चन आपसे कैसे घुमा के पूछ दिया जाए, इसलिए फोकस करते हुए चलिएगा, ठीक है। ओके, स्वामी कुवल नंद के योग गुरु कौन से थे, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कौन थे, आपके कृष्णाचार्य थे, और ईश्वर उपसद ये निषद वाला क्वेश्चन तो हमने आपको बताई दिया था, विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी ने कितने प्रकारों का वर्णन किया है। अब ये सब चीज़ें तभी आएंगी ना जब आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, 2 का, ठीक है। किस उपनिषद में शार्दल्य विद्या का वर्णन किया गया है, ये सब क्वेश्चन आपको नए लगेंगे, हमें पता है। ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम के प्रकार हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो भयतार डैश एक प्रकार आगे झुकने वाला आसन है। अब आगे झुकने वाला आसन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, पश्चिमोत्तासन। निम्नलिखित में से कौन शिव नंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है, प्रश्न संख्या 12 बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ज्ञान, ठीक। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया था, तो ये किया गया था आपके 2 प्रकारों का वर्णन। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्तंभ हैं कौन है, विचार। पतंजलि के अनुसार कष्टों के निवारण का उपाय क्या है आपके, तो पतंजलि के अनुसार कष्टों के निवारण का उपाय आपका कौन सा है, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, विवेक ख्याति। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार आपके कौन से हैं, तो ये हैं 4। कितने हैं, 4 प्रकार हैं। हठ प्रदीपिका से क्या लाभ है, अब ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल में गिवन है, ठीक है। तो हठ प्रदीपिका से आपको क्या लाभ है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कृमी को नष्ट करता है ये। मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग कौन दिखाता है, तो मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग आपका भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सभी दिखाते हैं। पंचकोश को क्रमवार व्यवस्थित करिए। अब देखो यहाँ पर आपको पंचकोश सारे बताए गए हैं, है ना। अब पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था, पांचवा कौन सा था, ये क्रम आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये भी आप तभी कर पाओगे ना जब आपने पंचकोश पढ़ा हो, है ना। तो अब वही है कि थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा है तो यूनिट 3 और 4 आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले भी बताया है। तो देखो पहले जो आया वो आपका कौन सा आया, तो अन्नमय कोश आया, फिर आपका प्राणमय कोश आया था, उसके बाद में मनोमय कोश आया, फिर उसके बाद में आपका विज्ञानमय कोश आया, और उसके सबसे आखिरी में आपका आनंदमय कोश आया। ये आपके पंचकोश के क्रमवार यानी कि सीक्वेंस से हमने आपको बता दिया है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग की वकालत किसने की है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग की वकालत की है आपके बुद्ध ने। निम्नलिखित में से कौन 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है, कौन सा ऐसा है जो 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है, तो श्वेत अश्व तरोपनिषद जो है ये 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है। बाकी मुंडकोपनिषद से आपका क्या लिया गया है, कौन सा मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तनोपनिषद और वृहद अरण्योपनिषद ये आपके 10 उपनिषदों में शामिल हैं। निम्नलिखित में कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन ए प्रकृति क्षेत्र को दर्शाती है और पुरुष क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलेंगे,
हठ प्रदीपिका और घेरा संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 23, सूत्र नेति की लंबाई आपकी लगभग 9 इंच है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगी जो होते हैं ना, इनके लिए क्या उपयुक्त रहता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बीमारी है आपकी एक प्रकार की, तो इसके लिए मंडूकासन एकदम अच्छा रहता है। भगवत गीता के अनुसार कौन शांति की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है? तो भगवत गीता के अनुसार यदि बात की जाएगी तो आपका विद्वान जो है वो शांति की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है, अध्यात्म प्रसाद का परिणाम है। तो किसका है ये? तो निर्विचार संपत्ति का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अति अम्लता के रोगियों को के लिए कौन सा योग अभ्यास लाभकारी है? तो ये है आपका नदी शोधन योग अभ्यास, है ना। फिर देखिए जो आपका 7th चैप्टर है, डेट इज़ रिलेटेड टू योर योग का चिकित्सीय महत्व, योग एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित। पहला क्वेश्चन, स्वस्थ रहने का यौगिक सिद्धांत क्या है? तो आचार विचार और आहार, ये दोनों ही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारे जीवन के सभी विसंगतियों के बीच मात्र योग जीवन शैली ही हमें समचित्तता से संपन्न करेगी तथा हमारे सभी प्रयासों को सृजनात्मक एवं कुशल बनाएगी। ये कथन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके भगवत गीता का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ मौजूद है, किंतु किसी व्यक्ति की लालसा के लिए ये पर्याप्त नहीं है। ये कथन किसका था? प्रश्न संख्या 3। तो ये कथन था आपके महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, योग का मानव के लिए महत्व क्या है? तो योग का मानव के लिए महत्व शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, कार्य करने की शक्ति बढ़ाना, रक्त शुद्ध करना, तो ये सभी सही हो जाएगा। पेट रोग में कौन सा आसन लाभदायक होता है? जब पेट से संबंधित कोई रोग होता है तब ऐसा कौन सा आसन करना चाहिए कि आपको उसमें आराम मिलेगी? तो चाहे वो आपका ताड़ासन हो, चाहे धनुरासन हो, चाहे भुजंगासन हो, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। योग सहायक है, किस चीज़ में सहायक है? स्मृति एवं अधिगम क्षमता बढ़ाने में, कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, मानसिक संतुलन में सहायकता के लिए, या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या 6। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त, सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अंतिम भोजन करना चाहिए रात में, सूर्योदय पे, या फिर सूर्यास्त में, या कभी नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यास्त। वैसे तो माना जाता है कि सूर्यास्त के समय भोजन जो आप कर लेते हैं ना, उसके बाद में कुछ नहीं खाना चाहिए, हद है, कहते हैं कि हद है, आप 8 बजे तक भी खाना खा लो। लेकिन आजकल क्या रात्रिचर लोग हैं, हम कह रहे हैं लेकिन उनमें से हम भी शामिल होते हैं भाई। अगर कोई व्यक्ति रात में जग करके काम कर रहा होगा, जस्ट लाइक बहुत से आप लोगों के भी ऐसे काम होते हैं जो मुझे करने पड़ते हैं इस समय रातों रात, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो PDF बनाना हो, या ऐसे बहुत सी चीज़ें होती, कंटेंट क्रिएट करना है, कहीं किस इशू आ रहा है। सिर्फ एक बच्चे का तो कोई इशू होता है नहीं है, बहुत बच्चों के बहुत से इशूज़ होते हैं उनको सॉल्व आउट करने में। तो अगर कोई इंसान रात में जग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई उसे भूख तो लगी नहीं है, तो वो खाएगा और वो फिर नुकसान करता है। और उसी की देखो, अगर आप नियम के विरुद्ध जाएंगे, भाई ब्रह्मांड का नियम क्या है? ब्रह्मांड का नियम यही है ना कि सुबह उठो, दोपहर में भले सो जाओ, रात में सो आराम से, है ना, प्रॉपर 3 बार खाना खाना, ये सब क्या है? नियम है, प्रकृति के नियम, प्रकृति के द्वारा बनाए गए। अगर प्रकृति के नियम के विपरीत आप जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको 10 रोग घेर लेंगे, है ना। और आजकल के समय में आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, किसी को चश्मा टेस्ट है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। पहले भी तो समय यही था, तब ऐसा कुछ नहीं था, क्यों? क्योंकि तब नियमों का पालन किया जाता था। अब तो सब एकदम अलग है, है ना। अन्नम ब्रह्मा का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, तो अन्नम ब्रह्मा का मतलब क्या है? भोजन क्या है? ब्रह्मा है। दोपहर का भोजन किसकी तरह करना चाहिए? दोपहर का भोजन एक राजकुमार की तरह करना चाहिए और रात का भोजन एक भिखारी की तरह करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। शरीर कितने पंचभूतों का संगठन है? शरीर कितने पंचभूतों का संगठन है? क्वेश्चन नंबर 10, तो 5, सीधी सी बात है, पंच है तो 5 ही होगा। अनिद्रा की स्थिति में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? अनिद्रा की स्थिति में अनुलोम विलोम करना चाहिए। हाइपरटेंशन में कौन सा आसन करना चाहिए? जैसे बहुत ज़्यादा टेंस होता है ना आदमी, एकदम हाइपरटेंस, तो उस समय स्वासन, वक्रासन और कोणासन, ये सभी करने चाहिए। मोटापा कम करने में सहायक आसन आपका कौन सा है?
तो मोटापा कम करने में आपका हलासन, चक्रासन, कोणासन ये सभी सहायक होते हैं। इसी की ज़रूरत सबको आजकल के समय में है, इवन मुझे भी है, लोगों को तो क्या ही कहूँ। चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ रिलेटेड टू योर यौगिक अभ्यास की अवधारणा एवं प्रकार, आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंद, मुद्रा और ध्यान, ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए गए इसके अंदर। प्राणायाम में रोचक होता है, क्या रोचक होता है, तो सांस छोड़ना, ये रोचक होता है। कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन के प्रकारों में नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे ना जब आपने सारे आसन को अच्छे से पढ़ा होगा। इन आसन को हमने पिक्चर के साथ में, बुक की पिक्चर भी ऐड की है उसमें, आपकी पीडीएफ में अगर आपके पास है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मकर आसन। भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है आपका हठ रत्नावली में। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक प्राणायाम के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है, तो ये बताया गया आपका प्रातः, मध्य दिन, साय व अर्धरात्रि में। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं, योग वशिष्ठ के अनुसार संतोष, विचार, वैराग्य या विवेक। सही उत्तर के लिए आपको इन कूट का प्रयोग करना है, मतलब पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा का मतलब संतोष और विचार सही है, या विचार और वैराग्य सही है, या वैराग्य और विवेक सही है, या विवेक और संतोष सही है। तो योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के स्तंभ आपके क्या कौन से हैं, तो संतोष और विचार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है, क्या चित्त भूमि के अंतर्गत, फिर से इसको आपको कूट के माध्यम से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि मूढ़, विकल्प और निरुद्ध, ये आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से प्राणायाम के प्रकार हैं कौन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्राह्म्य अंतर, विषयक्षेपी प्राणायाम, ये तीनों हैं, है ना, ये है। और इसके अलावा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ठीक, तो इसको भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विश्रामात्मक आसन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो विश्रामात्मक आसन के उदाहरण हैं आपके मकर आसन, स्वासन दोनों। किस प्रकार के आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास तथा शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये किया जाता है संवर्धनात्मक आसन, ठीक। पवन मुक्तासन कितनी बार तक करना चाहिए, तो पवन मुक्त आसन करना चाहिए 5 बार तक। वजन कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है आपका, तो वजन कम करने के लिए गोमुख आसन उपयोगी है। वज्रासन कब नहीं करना चाहिए, वज्र आसन कब नहीं करना चाहिए, तो जब कमर दर्द हो या जोड़ में दर्द हो या एड़ी में दर्द हो तब वज्रासन नहीं करना चाहिए। ताड़ासन का अभ्यास कितने बार कर सकते हैं आप, तो ताड़ासन का अभ्यास आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। ताड़ासन करते समय गर्दन कैसी रखनी चाहिए, तो ताड़ासन करते समय गर्दन आपको सीधी रखनी चाहिए। सांस का नियंत्रण व नियम व नियमन करते हैं उसको क्या कहते हैं आप, तो सांस का नियंत्रण व नियमन करते हैं प्राणायाम से। पृथ्वी के प्रत्येक तत्व को प्रेरित करने वाली शक्ति कौन सी है आपकी, तो ये है प्राण शक्ति, जो पृथ्वी के प्रत्येक तत्व को प्रेरित करती है। प्राण शक्ति जन्म देती है किस शक्ति को, तो प्राण से शक्ति जो है वो जन्म देती है विचार शक्ति को। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सकारात्मक विचार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे मन की अशुद्धियां दूर करता है कौन, दूर करता है हमारे मन की अशुद्धियां प्राणायाम दूर करता है। प्राणायाम के प्रकार हैं, तो शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, मूर्छा, सूर्य भेदना, उज्जयी, ये सभी। किसके अभ्यास द्वारा शरीर में ऊष्मा पैदा होती है, सूर्य भेदना के द्वारा शरीर में ऊष्मा पैदा होती है। किस प्राणायाम में फेफड़े पूरी तरह फैलते हैं तथा विजय योद्धा की तरह छाती फूलती है, तो उजय प्राणायाम में। प्राणायाम किसे चुस्त बनाता है, प्राणायाम आपका पैनक्रियाज, स्प्लीन, जिगर, इन सबको चुस्त बनाता है। प्राणायाम को लगातार करने से क्या मजबूत बनता है आपका, तो प्राणायाम अगर आप लगातार करेंगे तो आपका जो तंत्रिका तंत्र है, डेट इज़ योर नर्वस सिस्टम, वो मजबूत बनेगा। योग आसन करने का आदर्श समय, यानी कि एक आइडियल टाइम फॉर डूइंग योगा इज़ व्हाट,
तो सीधी सी बात है सुबह का ही सबसे अच्छा माना जाता है। आसनों का अभ्यास करते समय रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो जब आप आसन का अभ्यास कर रहे हो तो आपको शांत रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट आपके चैप्टर की तरफ चलेंगे, डेट इज़ रिलेटेड टू योर आसन, उसकी परिभाषाएँ, क्षेत्र, वर्गीकरण और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इनसे संबंधित है ये आपका चैप्टर। पहला क्वेश्चन है आपका, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है। कपालभाति बहुत लोगों को देखा होगा आपने करते हुए, तो कफ संबंधी विकारों को दूर करने के लिए ये ऑलमोस्ट लोग करते हैं। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है, तो प्रेयर के साथ में, प्रार्थना के साथ में। वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय हैं, वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय हैं आपके कौन कौन से हैं, तो देखो पहला, दूसरा और चौथा, मध्व, नारद और शंकर, ठीक, ये आपके प्रमुख हैं। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। अब इन विकल्पों से सही उत्तर बताना है। देखो पहला जो अभिकथन दिया गया, वो दिया गया प्रस्थानत्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है, और जो इसका रीजन दिया गया, जो इसका तर्क दिया गया है, वो दिया गया है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता, वेदांत दर्शन के ज्ञान के तीन प्रामाणिक मुख्य स्रोत हैं। अब आपको इनमें से आंसर बताना है, ये एकदम रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ना। तो ए और आर दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन आर जो है, ये जो आर वाला तर्क है, ये ए की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब उसको व्याख्यित कर रहा है, ठीक। किसके अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को आसन कहते हैं, तो ब्रह्म उपनिषद में। सिर मुख, सिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिर और आरामदायक मुद्रा ही आसन है। ये किसने दी है परिभाषा आपकी, तो ये दी है एल्फोडो व नीट ने, ठीक, एल्फोडो व नीट ने। नेक्स्ट, किस प्रकार के आसन मन को शांत करने के लिए और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यानात्मक जो आसन होते हैं वो मन को शांत करने के लिए और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। वज्र आसन करने से क्या लाभ है, क्वेश्चन नंबर 8। तो वज्र आसन करने से लाभ है, उपापचय की क्रिया ठीक रहती है, वजन कम हो जाता है, शरीर सुडौल रहता है, तो उपर्युक्त सही हो जाएगा आपका। हस्त आसन कितने समय तक करना चाहिए, हस्त आसन करना चाहिए कितने समय तक, 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक करना चाहिए। त्रिकोण आसन करने से क्या मजबूत होता है, तो त्रिकोण आसन करने से क्या मजबूत होता है, गर्दन और पीठ मजबूत हो जाती है। मधुमेह के बचाव व नियंत्रण में लाभकारी कौन सा आसन होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको भुजंग आसन करना चाहिए, ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पश्चिमोत्तासन का लाभ क्या है, जो पश्चिमोत्तासन होता है उसका लाभ होता है कि ये पैरों को भी मजबूत करता है, मस्तिष्क को शांत रखता है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है, सभी चाहिए। चक्रासन विशेषकर किसके लिए लाभदायक होता है, जो चक्रासन होता है वो लाभदायक होता है बच्चों के लिए, किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। योगासन किस प्रकार का विकास करता है, तो योगासन आपके बौद्धिक है, मानसिक है, शारीरिक है, सभी प्रकार के विकास करता है। सूर्य नमस्कार पद्धति में किसका वर्णन किया गया है, तो सूर्य नमस्कार पद्धति में परिधान, स्थान, काल, आयु संबंधी नियम, इन सभी का वर्णन किया गया है। भोजन कैसा करना चाहिए, तो भोजन करना चाहिए आपको सुपाच्य, हल्का और सात्विक, एकदम सही है। पद्मासन शब्द पद्म का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, तो कमल होता है। टीबी व दमा होने पर क्या लाभदायक है आपका, तो सर्वांगासन, भुजंगासन, सिद्धासन, ये सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज रिलेटेड टू योर चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 10 इज स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए योग का समेकित दृष्टिकोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम आपको ये बता दें कि जो आपके ये क्वेश्चंस हैं ये इसके बाद में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मैंने एक भी बार अगर सेशन में नहीं बोला कि आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, तो मैं देखती हूँ कि केवल कुछ ही बच्चे हैं जिनकी हैबिट में लाइक करना क्लास को, बाकी बस पढ़ते हैं और निकल लेते हैं, एकदम जैसे गेस्ट हाउस में जाओ और बारात करके चले आओ वाला हाल है, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, बस आए, क्लास देखा, निकल लिए, ना कोई कमेंट, ना लाइक, ना कुछ, ना कुछ। अरे भाई, इतना भी सेल्फिश बनने की क्या ज़रूरत है। आप एक, अब हम ये नहीं कहते हैं आप कि शिक्षक बनेंगे, भावी शिक्षक हैं, हम कहते हैं भैया ये आपका फोर्थ सेमेस्टर है, इट मींस कि यू आर अ टीचर,
आप, मैं सच बताऊं, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि चेंजमेंट आ गया आप लोगों के अंदर। मैम आपने कैसे रियलाइज़ किया? हम, आप तो हम लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिले भी नहीं हैं, लेकिन आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से एक बात भी बता देती हूँ। लास्ट जब सेकेंड सेमेस्टर में बात आई थी डेट शीट चेंज कराने की, तो मैंने ट्वीट वीट किया था और फिर नो डाउट की बात सुनी भी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से और चीज़ें बदली थी। ठीक उस समय जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें बच्चों ने इतना गंदा गंदा बोला था कि शायद ही वो शब्द हम कभी जीवन में अपने भूल पाएँ। हालांकि फिर मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ अगर आपको अप्रिसिएशन मिलेगा तो नो डाउट आपको हेट्स भी सहनी पड़ेगी। और लोगों ने कहा कि वैकेंसी सुपर टेट के आके चली जाएगी मैडम, और आप केवल जो है बीएडी हम लोगों का नहीं करवा पाएंगी, डेट ही बढ़वाते रहिए, सुपर टेट की वैकेंसी चली जाएगी। तो जिन्होंने ये कही थी, खैर उनके मुंह पे अब एक तरीके से ये जवाब है कि अभी तक आयोग ही नहीं बना, यूपी टेट नहीं हुआ, आप सुपर टेट की उस समय बात कर रहे थे हमसे। तो अब क्या हुआ सुनो इस बार, अब जब फोर्थ सेमेस्टर में कुछ बच्चों का एसएससी का पेपर लगा हुआ तो डेट चेंज करने की जब बात आई, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सिंगल कमेंट ऐसा कोई हेट वाला नहीं है। इवन सारे बच्चे जिनका पेपर नहीं है वो यही कह रहे हैं कि मैम मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, भले मेरा पेपर 2-3 दिन लेट हो जाए लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही सबसे बड़ा चेंज है जो हमने आप लोगों के अंदर देखा। तो ये कैसे हुआ आपको पता है? भले आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो नो डाउट कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आप ही लोगों के साथ हमने ये चेंजमेंट आप लोगों के अंदर देखा और लिटरली मुझे ये देख करके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे से जुड़े, हमारे इस परिवार से जुड़े, और नो डाउट कि आप आगे भविष्य में बहुत अच्छा कुछ करें और एक बढ़िया से टीचर के रूप में इस देश को आगे बढ़ाएं, जो कमियां हैं उनको सुधारें और आप अपने एंड से बहुत अच्छा काम करें, है ना। यही आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे भी। तो बहुत अच्छा लगता है हमें आप लोगों के साथ रहना, पढ़ाना और चीज़ों को आगे बढ़ाना। ठीक, ये एक हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है, बस आप इसको इस दृष्टिकोण से, इस नज़रिए से देखिए, बाकी कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है हमारा। ठीक, तो अब देखिए चैप्टर नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है आपका? तो उत्तम पोषण प्रदान करता है। वह भोजन जो हमारे शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है वो आपका कौन सा है? तो संतुलित भोजन आहार व ठोस तथा तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अत्यावश्यक पदार्थ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके सुधा नारायण जी का। भोजन जीवन के लिए एक आधारी आवश्यकता है, भोजन ही शरीर को पोषण प्रदान करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके शुभांगिनी जोशी का। भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा विभिन्न होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके उषा टंडन का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? भोजन शरीर का पोषण करता है। शरीर द्वारा खाने पीने वाले पदार्थ जो शरीर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि करते हैं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वो भोजन कहलाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके यूडकिन का। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए कैसा भोजन आवश्यक है? तो एक संतुलित भोजन आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? तो सकारात्मक सोच प्रदान करता है। ठीक है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपभोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण भी करते हैं, ये कथन था आपके किसका भैया? तो DF टर्नर का। पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैवकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है आपके यूडकिन का। जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, पोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके सुधा नारायण जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही पोषण कहलाता है, ये कथन किसका है? ये कथन है S. मुदाम्बी एवं शालिनी राव का।
शरीर की विभिन्न जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन में उपस्थित किन तत्वों की आवश्यकता होती है? ये होती है पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। पोषण का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 13, पोषण का क्या अर्थ है? तो भैया भोजन का पाचन, अभिशोषण, उपापचय होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सभी आपका सही हो जाएगा। उत्तम पोषण द्वारा शरीर को क्या प्राप्त होता है? अगर एक अच्छा पोषण है तो शरीर को प्राप्त होता है रोग रोधन क्षमता, ऊर्जा प्राप्ति, शरीर निर्माण, ये सभी सही हो जाएगा। प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन क्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। प्रबंधन की यह परिभाषा दी गई किसके द्वारा? तो ये दी गई है आपके मैकफारलैंड के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संस्थानों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है? तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका जॉर्ज टेरी। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेरी। प्रबंधन की विशेषताएं हैं, क्या है प्रबंधन की विशेषताएं, व्हाट आर दी, बताइए भैया। प्रबंधन कार्य सफलता को बढ़ाता है। मैनेजमेंट एक सउद्देश्य प्रक्रिया है और एक सार्वभौमिकता होती है इसमें, तो सही सभी हो जाएगा। फिर है प्रबंधन के विशिष्ट लक्ष्य क्या है? तो प्रबंधन के विशिष्ट लक्ष्य, ये एक समन्वित प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, क्रिया आधारित प्रक्रिया, ये सभी सही हो जाएगा। एक अच्छे प्रबंधक में, एक अच्छे मैनेजर में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? व्हाट आर दी क्वालिटीज फाउंड इन दी मैनेजर, दैट इज वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, सैद्धांतिक सक्षमता होती है, दृढ़ता और लोचशीलता का समन्वय होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। सो फाइनली यू हैव कंप्लीटेड दिस फ्रॉम हियर, यानी कि आपने जो योग, फिजिकल हेल्थ और योगा एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके ये पूरा जो आपका इजी नोट्स है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इफ यू वांट टू रीड दिस पीडीएफ देन इंस्टॉल पीजी पॉइंट ऐप। देखिए पीजी पॉइंट ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर करना क्या है मैम, हमने कहा वहाँ पर आप पीजी पॉइंट रेफरल कोड डालिएगा। आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक ई नोट्स का दिखेगा, एक कोर्सेस का दिखेगा। आपको ये वाली पीडीएफ अगर पढ़नी है तो आपको ई नोट्स पे जाना होगा। ई नोट्स पे जैसे मान लो आपने टच कर दिया, ठीक, ई नोट्स पर टच करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा पेड ई नोट्स, ठीक, और यहाँ पर आपको दिखेगा सी ऑल। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर जो 800 क्वेश्चंस वाली एक पीडीएफ है वो दिख जाएगी आपको, और थ्योरी वाली तो वो तो ज़रूर पढ़नी ही है, पढ़नी, जिसके पास नहीं है वो ले लियो, जिसके पास है वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर ले। फिर पेड के नीचे स्क्रॉल करिएगा, बैक आ करके वहाँ आपको फ्री नोट्स दिखेगा, फ्री नोट्स के साइड में आपको सी ऑल दिखेगा, वहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो जैसा आपने देखा भी होगा पेपर 1, 2, 3, 4 सभी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हैं इजी नोट्स के, बिल्कुल 0 रुपये में, आपको कुछ भी नहीं उसमें लगेगा पढ़ने के लिए, आराम से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ द जो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट के नाम से जुड़ सकते हैं। और देखिए तैयारी ज़रूर करते रहिए, बीएड कंप्लीट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि जॉब लग गई है, ठीक, तो ये मान के चलिए कि संभावनाएं हैं वैकेंसी आने की, तो अगर आयोग सही समय पर बन जाता तो वैकेंसी भी आनी है। और पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और आयोग बनने के बाद सबसे पहले सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भैया आयोग बन जाता है एक बार तो सबसे पहले अगर आपका कोई एग्ज़ाम होगा तो डैट इज़ यूपीडेट, तो नो डाउट कि उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, है ना। सीटेट दे चुके हैं, पास हैं तो बहुत अच्छी बात है वो तो। और यूपीटेट इसके बाद आना है अगर, तो यूपीटेट भी आप पास करिएगा, क्योंकि नया आयोग बन रहा है अगर तो क्या क्या नई नई पॉलिसीज़ देते हैं गॉड नोस, बस भरोसा रखिए एक, है ना, और अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। हर चीज़ का सलूशन ही कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड होता है, तो लाइफ में हमेशा पढ़ते रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री लीजिए, लेकिन पढ़ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, आइदर इट इज़ रिलेटेड टू बुक रीडिंग और ऑफ एनी अदर थिंग्स, बस क्योंकि नॉलेज तो मिलता ही रहेगा आप अच्छे से अगर आप चीज़ों को करते हैं, है ना। तो यहीं से करेंगे सेशन को एंड, अच्छे से पेपर दे करके आइए। वेरी ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत सारे आपके लिए शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए। धन्यवाद।